स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एस एस टी क्लास ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड टूडे वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर फोर मेजर लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स का मीनिंग है भू आकृतियाँ इन दिस चैप्टर वी वी लर्न अबाउट वेरियस लैंड फॉर्म्स देयर फीचर्स देयर सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में हम अलग अलग लैंडफॉम्स उनकी फीचर्स और उनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे लेट्स विद हिज फर्स्ट टॉपिक मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ अर्थ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं द अर्थ सर्फेस हज़ लैंड एंड वाटर जो अर्थ की सतह है वो लैंड और वाटर से मिलकर बनी है थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर एंड वन फोर्थ विद लैंड जो अर्थ का तीन चौथाई भाग है वो पानी से ठका हुआ है और इसके केवल एक चौथाई भाग पर ही लैंड है फोर्स ऑफ नेचर सच एज विंड एंड रेन है अर्थ सर्फेस फॉर्मिंग वेरियस लैंड फॉर्म्स अर्थ का जो सर्फेस है वो सब जगह से एक जैसा नहीं है उसे ही अर्थ की लैंडफॉर्म्स कहा जाता है लैंड फॉम्स आर ऑल्सो कोल्ड रिलीफ फीचर्स लैंडफॉर्म्स को भी रिलीफ फीचर्स कहा जाता है और इन लैंडफॉर्म्स को बनने में बहुत साल लग जाते हैं द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ आर माउंटेंस प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स एंड डेजर्ट्स अर्थ पर पाई जाने वाली बड़ी लैंडफॉर्म्स हैं पहाड़ समतल मैदान नदियाँ और मरुस्थल लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसमें सबसे फर्स्ट है माउंटेंस यानी कि पहाड़ माउंटेंस आर रेज्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस माउंटेन्स अर्थ के सरफेस का ऊंचा उठा हुआ भाग होते हैं विच आर हायर देन देयर सराउंडिंग एरिया जो कि अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊंचे होते हैं माउंटेन्स देट आर नॉट वेरी हाई आर कोल्ड हिल्ड माउंटेन्स जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते उन्हें हम हिल्स कहते हैं माउंटेन्स हैव स्टीप स्लॉप माउंटेन की तीखी ढलान होती है एंड ए पीक एंड ए पीक और सोमेट और इसकी बहुत सारी चोटियाँ होती हैं पीक्स आर मोस्टली राउंड और कॉनिकल इन शेप जो पीक्स हैं वो ज़्यादातर राउंड या शेप में कोन जैसी होती हैं ए चेन ओ माउंटेंस इज कोल्ड ए माउंटेन रेंज माउंटेंस की चेन को माउंटेन रेंज कहा जाता है द एडेज इन साउथ अमेरिका इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में एंडस है द एज ऑफ माउंटेंस मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मेडम माउंटेंस की भी एक एज होती है जो उसे एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं द हिमालय आर यंग माउंटेंस हिमालय को यंग माउंटेंस कहा जाता है दे आर वेरी हाई विद शार्प पिक्स इसकी चोटियाँ बहुत ऊंची होती हैं द अरावली आर ओल्ड माउंटेंस अरावली को ओल्ड माउंटेंस कहते हैं दे आर लो इन हाइट क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं होती एंड हैव राउंडेड पिक्स और इसकी जो चोटियाँ हैं वो गोल होती हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ माउंटेन्स आर एज फोर फॉलोज माउंटेन्स की कुछ फीचर्स नीचे दी गई हैं द माउंटेन्स फॉर्म इन नेचुरल बेरियर अगेनेस्ट कोल्ड एंड हॉट विन्स माउंटेन गर्म और ठंडी हवाओं से एक प्राकृतिक घेरे के रूप में काम करता है द माउंटेन पीक्स एट हाई एल्टीट्यूड मोस्टली रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड सो द वेजिटेशन इज सेंटी हीयर माउंटेन की जो ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं उगाई जा सकती माउंटेनियस रीजन आर थिनली पॉपुलेटेड माउंटेन्स पर ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं रहते बिकॉज ऑफ द हर्श क्लाइमेट एंड स्टीप स्लोप क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा नहीं होता और यहाँ पर ज़्यादातर ढालान पाई जाती है पीपल प्रेफर टू लिव इन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द माउंटेंस लोग ज़्यादातर माउंटेंस के निचले भागों में रहना पसंद करते हैं माउंटेन ग्लेशियर्स आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स दिस रिवर्स फॉलो ए लार्ज कोर्स एंड प्रोवाइड वाटर टू मैनी रीजन माउंटेन में जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ से बहुत सारी नदियों को पानी मिलता है द माउंटेन्स स्पेशली द लोअर एरियाज आर रिच इन फ्लोरा एंड फ्यूना माउंटेंस जो ज़्यादा लोअर एरियाज में होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती हैं दे आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं हिल स्टेशन अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस माउंटेंस पर जो हिल स्टेशन होते हैं वो टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं बेटे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे आपको माउंटेंस के बारे में अच्छे से रीड करना है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में उससे पूछ सकते हो थैंक यू हैव नाइस डे